चैनल को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब बटन हिट करें। अगर आप हमारा एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। अब आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहेगी। हेलो एवरीबॉडी, आज के वीडियो में हम लोग पार्टीशन वैल्यूज के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने मीडियन के ऊपर डिस्कशन किया था, अब उसको थोड़ा एलैबोरेट करते हुए हम लोग पार्टीशन वैल्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे तीन पार्टीशन वैल्यूज होते हैं, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ठीक, ये तीन वैल्यूज, ये तीनों चीज हमारे बहुत प्रोमिनेंट है सिलेबस में और बहुत ही स्कोरिंग है और पूरे मीडियन के फॉर्मेट पे बेस्ड है। तो मीडियन को इलैबोरेट करते हुए हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर गोइंग इन टू द फॉर्मूलाज एंड सम्स, हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। क्वार्टाइल्स, कोई भी चीज को अगर आप चार हिस्सों में, चार इक्वल हिस्सों में तोड़ दो, एक दो तीन चार, तो ये क्वार्टर बन जाता है। ठीक, क्वार्टर का मतलब ही होता है फोर, तो एवरी क्वार्टर सिंबलाइज द वर्ड फोर। तो चार हिस्सों में तोड़ देते हैं, इस पहले हिस्से के बाउंड्री को Q1 बोलते हैं, इस दूसरे हिस्से के बाउंड्री को Q2 बोलते हैं, तीसरे हिस्से के बाउंड्री को Q3 बोलते हैं। और ये तो 100% होता ही है, इसलिए इसका डिस्कशन नहीं करते। ये हम लोग का लोअर क्वार्टाइल बोला जाता है, ये अपर क्वार्टाइल बोला जाता है। सो लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। तो ये बीच वाला क्या हुआ, बीच वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं? यस, आई होप यू हैव गेस्ड इट राइट, इसको मीडियन बोलते हैं। सो क्वार्टाइल और मीडियन कितना सिमिलर है, ये बीच वाला वैल्यू हमारा मीडियन होता है। अगर इसी चीज को हम लोग चार नहीं 10 हिस्सों में तोड़ दे तो ये डेसाइल हो जाता है। हर हिस्सा 10 10 10 का सिंबल है। सो सपोज ये D1 हो गया, D2 हो गया, वैसे ही अगर मैं जाऊं तो D3 D4, ये D5 हो गया, ऐसे करके D8 भी हो सकता है, D9 D10 का कोई डिस्कशन नहीं करता है, क्योंकि वो फाइनल वैल्यू होता है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो एंड लिमिट है। और D0 का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि एकदम जीरोथ पॉइंट पे। ये D5 क्या है, इफ यू सी एकदम बीच वाला वैल्यू है, तो दैट इज अगेन मीडियन। इसी हिस्से को अगर हम लोग 100 हिस्से में तोड़ दे, आई एम नॉट श्योर कि इसमें 100 है कि नहीं है, मैंने जस्ट रैंडम लाइंस बना दिया। प्रॉपर स्केलिंग अगर करोगे तो 100 हिस्सा किया जा सकता है। तो ऐसे अगर फिफ्थ पॉइंट को ले तो P5 हो गया, 23rd पॉइंट को ले तो P23 हो गया, 50th पॉइंट को ले तो P50। इफ यू कैन सी, यही हमारा मीडियन है, एकदम मिडिल वाला वैल्यू, मीडियन यही तो होता है। और P68, ऐसे करके हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो 100 हिस्सों में अगर तोड़ दिया जाए तो हम लोगों का ये परसेंटाइल हो जाता है। अगर हम लोग इधर फोकस करें, क्वार्टर, क्वार्टर मींस 1/4, तो 1/4 के सिंबल से ये पहला 1/4 है, सो दैट इज 1/4 का फील है। ये दूसरा 1/4 है तो 2/4, जिसको हम लोग काट के हाफ ला सकते हैं, इसीलिए मीडियन में हाफ n/2 किया जाता था। और यहां पे 3/4 का फील है तो 3/4, टोटल कितना होता है n, तो ये क्या हो गया n/4, n/2, 3n/4। ये चीज अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है आगे का सॉल्यूशंस करना। इधर परसेंट, डेसाइल, डेसाइल के हिसाब से क्या हुआ, बाई टेन, तो D1 क्या हो गया 1/10, D2 क्या हो गया 2/10, D5 क्या हो गया 5/10, जो कि काट के क्या हो जाता है हाफ, D8 क्या हो गया 8/10। सो अगर हम लोग कर दे इसमें टोटल n होता है तो ये क्या हो गया n/2, वेरी इजी। सेम टू सेम परसेंटाइल में क्या होता है, बाई हंड्रेड, तो 5/100, आई एम नॉट कटिंग देम ताकि हम लोग इसको इजीली याद रख पाए। तो 5n/100, दिस इज 23n/100, दिस इज 50n/100, जिसको काटेंगे तो 2 आएगा, दैट इज n/2, और 68n/100। ऐसे करके हम लोग कितना भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सारा फॉर्मूला ऑलमोस्ट मीडियन के सेम रहता है, वी विल ऑब्वियसली बी डूइंग एवरीथिंग, बट याद रखने के लिए ये बहुत इजी हो जाता है। अगर आपने मीडियन बहुत अच्छे से किया है तो क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल तो एकदम बच्चों का खेल है। जस्ट आपको टर्मिनोलॉजीज याद रखने होते हैं, Q1 इज लोअर क्वार्टाइल, Q3 इज अपर क्वार्टाइल। जनरली क्वार्टाइल्स में कोई आपको Q2 कभी नहीं पूछेगा, डेसाइल्स में कोई भी वैल्यू दे सकता है D5 D7, परसेंटाइल में भी आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है P24 P13, कुछ भी निकालने दे सकता है, हम लोग वो कैलकुलेट कर लेंगे। वेरी इजी फॉर्मूलाज। हमारा डेटा फिर से उसी तरीके से डिवाइडेड होगा, रॉ डेटा, सिंपल ग्रुप डेटा, क्लास इंटरवल्स में कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स और नॉन कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स, एक एक के ऊपर हम लोग पर्टिकुलर सम्स लेंगे ताकि हम लोग इसको बेटर एलैबोरेट करें। तो आइए हम लोग सम्स लेते हैं इसके ऊपर। सो दिस इज द डेटा,
हम लोग सबसे पहले रॉ डेटा का डिस्कशन करेंगे. रॉ डेटा में हमारा एक मैंने सैंपल लिया है 13, 17, 20, 5, 3, 3, 18, 15. इस पूरे सिनेरियो में हम लोग ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप हम लोग का यही होता है अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहे मीन हो मीन में हमें ये नहीं करना पड़ता, मोड में भी हमें ये नहीं करना पड़ता, बट मीडियन वाले पार्टीशन वैल्यूज में हमें सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, तभी हम उसका पोजिशन को पिक कर सकते हैं. रूल के हिसाब से आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, बट सारा टेक्स्ट बुक सारा इंस्टीट्यूशन सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो करता है. जबरदस्ती डिसेंडिंग करोगे टीचर मार्क्स काट लेगा, सो डू नॉट ट्राई दैट स्टंट. सो हमने डेटा को डिवाइड कर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया 3, 3, 5, 13, 15, 17, 18, 20. मीडियन में हमने सीखा था डेटा अगर ऑड हो या इवन हो तो कुछ मैटर करता है, अलग अलग फॉर्मूलाज बनते हैं. यहां पे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि हमने फॉर्मूलाज इसी तरीके से यूज किया है ताकि ऑड हो या इवन हो अपने आप अरेंज हो जाएगा. सो इवन दो मैंने मीडियन का वैल्यूज कैलकुलेट किया, यहाँ पे मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया है. आप अपना ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, आप वो भी ट्राई करना एंड यू विल सी कि आपका सेम वैल्यू आ रहा है. इधर फॉर्मूला हम लोगों का n इक्वल्स टू 8, ये 9 भी होता तो भी कोई फर्क वाला बात नहीं था. रूल बोलता है क्वार्टाइल है तो n प्लस 1 बाय 4 फर्स्ट क्वार्टाइल, इसको लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं हम लोग Q1. अगर मीडियन है तो बाई 2, तो n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, और अगर अपर क्वार्टाइल है तो 3n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन. n बाय 4 का इफेक्ट था, हमने डिस्कस किया था 3n बाय 4, n बाय 4 और ये n बाय 2. n प्लस 1 बाय 4 दैट इज 8 प्लस 1 बाय 4 दैट इज 9 बाय 4. 9 बाय 4 आता है 2.25th ऑब्जर्वेशन. अभी ये बहुत वियर्ड है, 2.25 कैसे निकालेंगे हम लोग? तो बेसिक कॉमन सेंस है, पहले सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन ले लो और उसके बाद ये जो गैप है इस गैप का 0.25. यही तो सिस्टम होता है. अगर मेरा ये एक नंबर लाइन होता जिसमें मेरा वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे होता, तो ये सेकंड और सेकंड से यहां पे 0.25, तो इस गैप का इंटू 0.25 कर देंगे हम लोग. दैट इज आवर सिनेरियो. सो इसी सिनेरियो को यूज करते हुए आई विल बी डूइंग द सम. सो सेकंड ऑब्जर्वेशन और गैप क्या होता है? गैप इज थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड, दिस इज द गैप 3 माइनस 2. सो थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड का 0.25. वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ये बहुत ही आसान हो जाता है, हर लेवल के सम पे यूज हो सकता है. ऑल पार्टीशन वैल्यूज को इस तरह से किया जा सकता है. तो 2.25 का ऑब्जर्वेशन है, बचा है मेरा यहाँ पे 0.2 होता, 0.3 होता, 0.75 होता, कुछ भी होता तो वो यही होता और उसका अगला गैप. तो क्योंकि आपका सेकंड वैल्यू है तो गैप क्या होगा? थर्ड माइनस सेकंड. अगर मेरा वैल्यू सपोज फिफ्थ होता तो 6 माइनस 5 दैट वुड हैव बीन माय सिनेरियो इधर. सो हम लोग का सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इनटू थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन. सेकंड ऑब्जर्वेशन है हम लोग का 3 और थर्ड ऑब्जर्वेशन है हम लोग का 5. तो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया 3 प्लस 0.25 इनटू 5 माइनस 3. 5 माइनस 3 2 होता है, 2 इंटू 0.25 विल गिव मी 0.5. तो 3 प्लस 0.5 इज 3.5. That will be my quartile. वो कुछ इधर लाई करेगा. ठीक, here will lie Q1. Next हम लोग का median है. Median में भी मैंने same formula लगाया, जबकि median का reality में हमने ये formula किया है. N by 2th observation plus N by 2 plus 1th observation whole by 2. तुम अगर इस formula से calculate करोगे और इस formula से calculate करोगे, same to same answer आएगा. इसी formula में ये आया है, इसी formula से इनफैक्ट ये formula derive किया गया है. So, बेटर होता है ना कि अगर एक सिंगल टेक्निक से करे तो हम लोग का आसान हो जाता है, सब जगह सेम टेक्निक को यूज कर सकते हैं हम लोग. 8 प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन दैट इज 4.5 ऑब्जर्वेशन. तो 4th ऑब्जर्वेशन इंटू 0.5 ऑफ चौथा था, तो 5वां माइनस 4th विल बी माई गैप. तो 5th ऑब्जर्वेशन माइनस 4th ऑब्जर्वेशन. हमने अपना वैल्यूज पुट किया, 4th ऑब्जर्वेशन 13 है मेरा और 5th ऑब्जर्वेशन 15 है. तो 13 और 15 माइनस 13 इज 2, तो 0.5 इंटू 2 इज 1. सो बेसिकली 13 प्लस 1 इज 14. और यही मैंने Q3 जब कैलकुलेट किया तो 3n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन दैट इज 3 इंटू 2.25. 8 प्लस 1 बाय 4 तो 2.25 है, दैट इज 6.75th ऑब्जर्वेशन. तो 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75th ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन, एक अगला वाला माइनस ये वाला, तो हम लोग को गैप मिल जाता है. गैप हम लोग का 6th ऑब्जर्वेशन है 17 और 7th ऑब्जर्वेशन है 18. तो 18 माइनस 17 इज 1, 1 इंटू 0.75 इज 0.75 और 0.75 को 17 से ऐड करते तो 17.75 आता है. सो हियर विल लाई माई मीडियन, हियर विल लाई माई Q3. सो Q1, Q2, Q3 निकालना बहुत ही आसान है रॉ डेटा में. क्लास 10 ICSE के सिलेबस में ये बहुत प्रोमिनेंट मटेरियल है.
आपको ये अच्छे से आना ही चाहिए। फ्यूचर लेवल्स पे क्वार्टाइल्स का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यस पूछा जाता है, क्योंकि आगे हम लोग जब डिस्पर्शन करेंगे तो डिस्पर्शन में भी ये बहुत प्रोमिनेंट है। एक पूरा मेथड है जो क्वार्टाइल डेविएशन है, जो इस पे पूरा बेस्ड है। तो अगर आपको Q1 और Q3 निकालना नहीं आता है, तो आप आगे का प्रोसीडिंग ही नहीं कर सकते। ठीक, आगे अब हम लोग डेसाइल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसी सेम डेटा में, रॉ डेटा में, हम लोग डेसाइल्स और परसेंटाइल्स कैसे निकाल सकते हैं। सो हमारा डेटा कॉपी हो गया है, सेम डेटा है हमारा जैसा हमने डेसाइल क्वार्टाइल्स में लिया था। उसके लिए फिर हम लोग डेसाइल्स निकालेंगे और परसेंटाइल्स निकालेंगे। क्वार्टाइल्स सिर्फ 3 होते हैं, इसलिए मैंने तीनों कैलकुलेट किया था। डेसाइल्स 9 होते हैं और परसेंटाइल्स 99 होते हैं। अगर वो कैलकुलेट करने जाऊंगा तो रात यहीं बीत जाएगी, तो आई विल ऑब्वियसली नॉट डू दैट। मैंने एक रैंडम ले लिया और मैं आपको समझा दूंगा कि अगर मेरे को अल्टरनेट करना होगा तो क्या करना है उसके लिए। बेसिक, अगर मैंने D4 लिया है तो मेरा फॉर्मूला है 4n+1/10th ऑब्जर्वेशन। यही अगर मेरा D7 होता तो 7n+1/10th ऑब्जर्वेशन। ये D3 होता तो 3n+1/10th ऑब्जर्वेशन। n मेरा 8 था तो 8+1/10 दैट इज 0.9, 0.9 into 4 दैट इज 3.6th ऑब्जर्वेशन। 3.6 ऑब्जर्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो सेम सिनेरियो है। थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.6 ऑफ द गैप, गैप क्या होता है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन, अगला माइनस ये वाला, तो हमारा गैप आ जाता है, उसका इंटू 0.6 कर देंगे क्योंकि हमारा 0.6 बचा है यहाँ पे। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 5 प्लस 0.6 ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन दैट इज 13 माइनस 5 दैट इज 8, 8 इंटू 0.6 इज 4.8, 4.8 प्लस 5 दैट इज 9.8। तो यहाँ पे कहीं मिडिल में 9.8 आएगा, दैट विल बी माई D3 थर्ड। तो अगर मैं डेटा को 10 हिस्सों में तोड़ू तो मेरा जो चौथा हिस्सा होगा वो होगा 9.8। फिर परसेंटाइल, जैसे मैंने 63 लिया, आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं सेम डेटा के साथ और आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 63 परसेंटाइल क्या होता है, बाई 100, तो n प्लस 1/100। अगर यही D75 होता तो 75n+1/100, D30 होता तो 30n+1/100, n दैट इज 8, 8+1, 9, 9/100 दैट इज 0.9, 0.9 इंटू 63 इज 5.67 ऑब्जर्वेशन। अगेन 5.67 ऑब्जर्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या किया जाए, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस जो बच गया 0.67 इंटू द गैप, गैप इज 6th ऑब्जर्वेशन माइनस 5th ऑब्जर्वेशन। सो 6th ऑब्जर्वेशन माइनस 5th ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन इज माई 17 एंड 5th ऑब्जर्वेशन इज 15। तो 15 प्लस 0.67 इंटू 17 माइनस 15 दैट इज 15 प्लस 0.67 इंटू 2 दैट इज 16.34। तो कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। हमने रॉ डेटा कवर कर लिया, अब हम आगे सिंपल ग्रुप डेटा में जाएंगे और फिर कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स को भी कवर करेंगे। चलिए आगे मैं डेटा कॉपी करता हूँ। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे रॉ डेटा में हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट पार्टीशन वैल्यूज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंपल फ्रीक्वेंसी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी होता है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने एक सम लिया है इधर, ये जो सम लिया है इसमें सब ऑटोमेटिकली अरेंज्ड है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ये अरेंज नहीं होते, ये 53 होता और इसका फ्रीक्वेंसी 11 होता और ये 52 होता और इसका फ्रीक्वेंसी 4 होता, तो मेरे को इसको पहले अरेंज करना पड़ता। तो हम लोग इसको अरेंज करते और यहाँ पे 52 आता ताकि ये 4 हो जाए और दोनों साथ में बदलना, सिर्फ एक को मत बदलना। और यहाँ पे हम लोग का ये 153 आ जाता और ये 11 होता और मेरे को एक बार वापस ये बनाना पड़ता। इसके बाद एज ऑलवेज हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पार्टीशन वैल्यूज में हम लोग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे जोर रहता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सीखा कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6, 6+4, 10, 10+11, 21, 21+9, 30, 30+16, 46, 46+12, 58, 58+2, 60। सो हम लोगों का n हो गया 60। हमने सीखा है फॉर्मूला क्या है Q1 का, n+1/4th ऑब्जर्वेशन दैट इज 60+1/4th ऑब्जर्वेशन दैट इज 15.25th ऑब्जर्वेशन। अभी हमने किया था 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ऑफ 16th ऑब्जर्वेशन माइनस 15th ऑब्जर्वेशन, पर पता कैसे चलेगा यहाँ पे 15th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? तो 15th ऑब्जर्वेशन वो होता है जिसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 15 आ जाए। जैसे 6 में आएगा क्या? नहीं आएगा। 10 में आएगा? नहीं आएगा। 21 में आएगा? आएगा। सो हम लोग का 15th ऑब्जर्वेशन क्या है, 153। सो 153 प्लस 0.25 इंटू 16th ऑब्जर्वेशन क्या है, 16 बीसी में आता है, तो 153 माइनस 153, सो दैट इज 153 प्लस 0.25 इंटू 0 जो कि 0 हो जाता है, दैट इज 153।
तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, ऑलमोस्ट कैलकुलेशन वेरी इजी है. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आपको पता है कि दोनों वैल्यू सेम में आता है तो. बट जैसा कि हम लोग यहां ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम लोग को मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए एन प्लस वन बाई ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन, एन प्लस वन बाई ट्वेल्थ मतलब 60 प्लस वन बाई टू, 30.5 ऑब्जर्वेशन मतलब 38 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ऑफ 31st ऑब्जर्वेशन माइनस 30th ऑब्जर्वेशन. सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 30th ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा 154, सो इज इक्वल्स टू 154 प्लस 0.5 इनटू 31st ऑब्जर्वेशन. अभी चेंज हो जाएगा, 31st ऑब्जर्वेशन ये है, तो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा. दैट इज 155 माइनस ये 155 है और 30th ऑब्जर्वेशन 154 है. So that is 154 into 0.5 into 1. So that is 154 plus 0.5. That is 154.5. It is very easy. और अगर हम लोग को Q3 calculate करना है, तो Q3 is 3n plus 1 by 4th observation, जो कि हम लोग का हो गया 3 into 60 plus 1 by 4th observation. That is 45.75th observation. अगर हम लोग को ये calculate करना है, तो 45th observation प्लस 0.75 ऑफ 46th ऑब्जर्वेशन माइनस 45th ऑब्जर्वेशन द गैप. सो 45th ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा, 45th इसी में लाई करता है, दैट इज 155 प्लस 0.75 इनटू 46th ऑब्जर्वेशन भी लकीली यही है. सो 46th ऑब्जर्वेशन इज 155 माइनस 155, दैट इज 0, और 0 को 0.75 से मल्टीप्लाई करने से 155 ही आता है. तो क्वार्टाइल्स पे हम लोग जनरली हर सम में Q1, Q2, Q3 कैलकुलेट करके देख रहे हैं. बट अगर हम लोग परसेंटाइल में जाएंगे तो 100 वैल्यूज होता है और डेसाइल में 10 होता है, उतना तो करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है. तो हम लोग एक सर्टेन वैल्यूज लेंगे और आप उसको एडजस्ट कर सकोगे. तो हम लोग डेसाइल कैलकुलेट करते हैं. सो लेट अस रैंडमली टेक अ पर्टिकुलर डेसाइल नंबर. मैं डेसाइल में 3 ले लेता हूं, मतलब थर्ड डेसाइल, दैट इज D3, और परसेंटाइल में मैं 44 ले लेता हूं, तो दैट इज P44. तो हम लोग दो कैलकुलेशन करेंगे. पहला है D3. D3 इज 3 इंटू एन प्लस 1 बाई 10th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि डेसाइल 10 है. दैट इज 3 इंटू 60 प्लस 1 बाई 10th ऑब्जर्वेशन. दैट इज हम लोग का कैलकुलेशन आता है 18.3th ऑब्जर्वेशन. So 18.3 is 18th observation plus 0.3 into 19th observation minus 18th observation. 18th observation क्या है, 18th observation इसमें लाई करेगा, that is 153 plus 0.3 into 19th observation भी यही है, 18th observation भी यही है. तो आंसर तो हम लोग को पता है 153 ही आना है. सो दैट इज 153 प्लस 0, दैट इज 153. अगर मैं P44 ले लेता हूं, सो P44 इज इक्वल्स टू, दैट इज 44 इंटू एन प्लस 1 बाई 100th ऑब्जर्वेशन. इसका मतलब 44 इंटू 60 प्लस 1 by 100th observation. So हम लोग का इसका आंसर आता है, that is 26.84th observation. So calculations मैंने आपके लिए पहले से ही करके रखा है ताकि हमारा टाइम बचे, टाइम पास करना नहीं पड़े calculations को लेके. So this is 26th observations plus 0.84th into 27th observation माइनस 26th ऑब्जर्वेशन. सो 26th ऑब्जर्वेशन किसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, दैट इज 154 प्लस 0.84, और 27th ऑब्जर्वेशन भी लकीली इसी में लाई करेगा, मतलब मेरे को पता है यहां पे तो 0 ही आना है. सो अल्टीमेट आंसर होगा 154. तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डेटा में बहुत इजीली कैलकुलेटेबल है, बहुत ही आसानी से हो जाता है. सर्टेन बुक्स में, कुछ स्पेसिफिक बुक्स में अगर आपका वैल्यू, जैसे हमारा मीन का आया था 30.5, तो वो लोग सीधा बोलते हैं 30 के बाद वाला वैल्यू है तो इसमें लाई करता है, तो 155 को ले लेना चाहिए. बट दैट इज नॉट ट्रू.
अगर आपका इंडिविजुअल वैल्यूज है, इसका मतलब सपोज 30th वैल्यू जो है हम लोग का, जो पोजिशन 30 है, उसमें क्या नंबर लिखा होगा? 154, और 31st पोजिशन पे क्या लिखा होगा? 155. तो उसके हिसाब से अगर आपका 30.5 आ रहा है तो आपको इनका एवरेज लेना ही चाहिए, गैप लेना ही चाहिए, ठीक है ना? तो गैप शुड बी टेकन, यही तरीके से करना चाहिए. बहुत रेयर कुछ बुक्स है जिनमें सीधा ले लिया है, 30.5 अगर आया मेरा तो आंसर 155, झमेला खत्म, बट दैट इज नॉट राइट. अब हम लोग ग्रुप डिस्कशन का, ग्रुप इंटरवल्स का डिस्कशन करेंगे. हम लोग को पहले से ही पता है कि अगर कंटिन्यूअस है तो आसानी से कैलकुलेट होता है, बट अगर नॉन कंटिन्यूअस है तो उसको कंटिन्यूअस करना पड़ता है. तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. सो मैंने डेटा आपके लिए कॉपी कर लिया है ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन में कोई ग्लिचेस ना आए. अगर आप क्लास 11 आईसीएससी में है, आईएससी में है, तो आपके पास एक बेनिफिट है, आपके पास कैलकुलेटर है, कोई भी कैलकुलेशन ग्लिच आने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट अगर आप सीबीएसई में, तो आई एम होपिंग कि आपका मैथ स्ट्रांग होगा. बीकॉम वालों के पास भी ये बेनिफिट है कि उनको कैलकुलेटर अलाउड है, सो दे कैन यूज द बेनिफिट इधर. सो अगर ये कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी है तो वी विल हैव टू रियलाइज कि ये हम लोग का यहाँ पे डेटा गिवन है, ये और ये मेरे को गिवन होगा, इसके बीच का गैप हम लोग का 100 होता है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है जब हम लोग पार्टीशन वैल्यूज का डिस्कशन करते हैं. सो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, 40 प्लस 68 108, 108 प्लस 86 194, 194 प्लस 120 gives me 314, 314 प्लस 90 will give me 404, 404 प्लस 40 will give me 444, 444 प्लस 26 give me 470, और यही मेरा n होता है समेशन. इसका टोटल कर लो चाहिए निकाल लो, n तो यही रहेगा. सो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल्स, एक तो डेसाइल एक तो परसेंटाइल, क्योंकि 10 डेसाइल होते हैं और 100 परसेंटाइल, 99 डेसाइल्स परसेंटाइल्स होते हैं और 9 डेसाइल्स होते हैं. आई डू नॉट वॉन्ट टू कैलकुलेट ऑल ऑफ देम, आप कर सकते हो अपने हिसाब से. इधर सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए n बाई 4, सेकेंड क्वार्टाइल जिसको मीडियन भी बोलते हैं n बाई 2, थर्ड क्वार्टाइल 3n बाई 4. सो अगर फर्स्ट क्वार्टाइल का डिस्कशन करें तो फर्स्ट क्वार्टाइल में हम लोग का n बाई 4 किया, n इज 470, 470 बाई 4 इज 117.5. सो मैंने वही सेम फॉर्मूला लगाया जो हमने मीडियन में यूज किया था, l प्लस, बस यहां पे चेंज होता रहेगा, n बाई 4 माइनस सी एफ जीरो बाई एफ वन इंटू आई, एन प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ जीरो बाई एफ वन इंटू आई, एल प्लस एन बाई 4 थ्री एन बाई 4 माइनस सी एफ जीरो बाई एफ वन इंटू आई, एल प्लस 3n बाई 10 माइनस सी एफ जीरो बाई एफ वन इंटू आई, एल प्लस 44n बाई 100 माइनस सी एफ जीरो बाई एफ वन इंटू आई. तो फॉर्मूलाज एकदम सेम रहेगा, खाली आपका नंबर डेटा चेंज होता जाएगा. ठीक, सबसे पहले डिसाइड करेंगे इस n बाई 4 को निकाला क्यों है मैंने, इससे मैं डिसाइड करूंगा कौन सा क्लास है. सो फर्स्ट क्वार्टाइल का क्लास 117.5, 117.5 किसमें लाई करता है, इसमें लाई करता है. तो ये मेरा एल हो गया लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज 800. इसके ठीक ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है 108, वो हम लोग आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक, सीएफ जीरो, और इसके बगल वाला हो गया एफ वन. सो 86 इज एफ वन. सो मैंने सॉल्व किया इसको, सो 117.5 माइनस 108 बाई 86 इंटू 100, सॉल्व करके आया 11.01, और इसको इसमें ऐड कर दिया. गलती से भी एलसीएम लेने का मेहनत मत करना, फालतू का टाइम वेस्ट है तुम्हारा. यही अगर n बाई 2 होता जिसको हम लोग मीडियन भी बोलते हैं. सो मीडियन में क्या होता है, n बाई 2 निकालते हैं, 470 बाई 2 दैट इज 235. सो 235 हम लोग का किसमें लाई करता, 235 मेरा लाई करता थर्ड वाले में, सॉरी फोर्थ वाले में. सो 235 इसमें लाई करता, तो ये मेरा हो जाता मीडियन क्लास. अगर ये मीडियन क्लास है तो इसके ऊपर वाला हो गया सी एफ जीरो और ये वाला हो गया एफ वन, ठीक. सो इसके हिसाब से मैंने सम में डाल दिया 235 माइनस, और ये हो गया मेरा एल, 235 माइनस 194 बाई 120 इंटू 100. सो 900 प्लस दिस गिव्स मी 934.17. और इसी में अगर मेरे को थर्ड क्वार्टाइल करना पड़ता तो थर्ड क्वार्टाइल होता है 3n बाई 4, सो 3 इंटू n बाई 4 दैट इज 3 इंटू 470 बाई 4 दैट इज 352.5. सो उसके जगह मेरा क्लास क्या हो जाएगा अब, 352.5, ये क्लास है मेरा, इसी के अंदर आता है क्योंकि इसके तो बाहर चला जाएगा तो इसी में आएगा. तो ये हो गया मेरा CF0 और ये हो गया मेरा F1. सो इसमें पुट कर देंगे 352.5 माइनस 314 बाई 90 इंटू 100, कैलकुलेशन हो जाएगा और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा. ऑब्वियसली L इस क्लास का 1000 हो गया मेरा. अगर मेरे को डेसाइल निकालना है तो डेसाइल इज बाई 10, सो दैट इज 3N बाई 10, 3N बाई 10 इज 3 इंटू 470 बाई 10 दैट इज 141. सो 141 किसमें लाई करता है,
141 इसमें लाई करता है, तो इसके हिसाब से ये मेरा हो गया सी एफ जीरो और ये मेरा हो गया एफ वन. सो उसमें पुट कर देंगे 3n/10 दैट इज 141 माइनस सी एफ जीरो जो कि 108 है और डिवाइडेड बाई 86 जो कि मेरा एफ वन है इंटू 100. इसका कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और आएगा 38.37. तो 38.37 इज 838.37. और अगर मेरे को परसेंटाइल कैलकुलेट करना है दैट इज 44n/100 दैट इज 44 × 470/100 इक्वल्स टू 206.8. अगर मैं इधर आऊं तो मेरा कैलकुलेशन किस पे आ जाता है, 206.8 कम्स हियर. सो 206.8 फॉल्स इन दिस कैटेगरी. ये मेरा सी एफ जीरो हो जाएगा और ये मेरा एफ वन हो जाएगा. इसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सी एफ जीरो, इसके बगल वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके बगल वाला फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एफ वन. सो यहाँ पे पुट कर देंगे एल, इसका लोअर लिमिट हो गया 900 प्लस 44n/ दैट इज 206.8 माइनस 194 दैट इज माइनस 194 डिवाइडेड बाई 120 होल इंटू 100. इसका कैलकुलेशन पे 10.67 प्लस 900 दैट इज 910.67. सो दिस पोर्शन इज डन. अगर आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव डेटा है मतलब सॉरी नॉन कंटिन्यूअस डेटा है तो उसको पहले कंटिन्यूअस बनाओ और उसके बाद पूरा का पूरा सेम सिनेरियो है, मतलब देयर इज नो वर्ड डूइंग. और हमने सीखा है प्रीवियस वीडियोस में कि कैसे कंटिन्यूअस बनाते हैं. सो नॉन कंटिन्यूअस को आराम से कंटिन्यूअस बनाइए और आराम से इसको कंप्लीट करिए. ठीक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं. इफ द वीडियोज आर बेनिफिशियल टू यू डू स्प्रेड शो योर लव बाय लाइकिंग द वीडियोज सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.